हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। सो आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप, मैंने दिया था 101, ठीक है, 101, तो ये मेरा हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाय दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। ये ही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों, हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूं उसे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूं उसे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जांपल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, वही सेटअप है। अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाय साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाय से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला, कहीं पे भी एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय
10 AM, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल द ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो। समझ में आया ना? यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, BHEL में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्कॉल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया ITC स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाया, वो भी देखिए। और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया, मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहा बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कही है, वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था ना, उस पे पेट्रोनेट है पहला वाला, यू कैन सी दिस हियर, इट्स पेट्रोनेट सेल में दिया था, राइट, यू कैन सी। ये देखिए, मैंने कहा था यहाँ पे कंटिन्यूअस रेसिस्टेंस है, उसके बाद ये नीचे आ सकता है, वैसे भी हुआ, देखिए इतना बड़ा फॉल। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रगल होने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी बुलिश है ना, जो बायर्स है, वो भी सेलर्स बन जाता है, वही साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन हमारा ट्रेड प्लान के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, क्योंकि गैप डाउन हो गया हमारा ट्रेड लेवल के हिसाब से, तो उसके बारे में बात करेंगे, पहले प्राइस एक्शन का देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेल साइड के लिए दिया था, वैसे ही हुआ, देखो नीचे आ गया, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है टाटा कंज्यूम, राइट, सेम केस देखिए, मैंने क्या कहा, यहाँ से कुछ सपोर्ट है ही नहीं, इतना बड़ा ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है। कल का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, एग्जैक्टली वही ही हुआ, फ्री फॉल हो गया, ठीक है। सेल साइड के लिए प्राइस एक्शन मूव किया, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो अलग बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हवेल्स, ये भी देखिए सेम केस, ये हवेल्स का देखिए, मैंने बाई साइड के लिए दिया था, राइट, इसके बाद सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन देखिए हमारा ट्रेड प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, इट्स ओके, अच्छा है, ठीक है, वो नीचे आ गया, वी आर सेफ, ठीक है। लेकिन ये फिर वही जोन पे खड़ा है, और भी कंफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट, हवेल्स के बाद टाटा स्टील को बाई के लिए दिया था, देखिए यहाँ पे टाटा हवेल्स बाय, टाटा स्टील बाय, HDFC बाय, ICICI बाय, पिरामल एंटरप्राइजेस बाय। सो तो टाटा स्टील का देखेंगे, ये देखिए प्राइस एक्शन मूवमेंट वही हुआ ना, यहाँ से देखो एग्जैक्टली यहाँ तक गया था इस ट्रेंड लाइन को, राइट, ऑलमोस्ट वहाँ टच करके लास्ट में फॉल हो गया ना वॉलेटिलिटी की वजह से, ठीक है, वही प्राइस एक्शन है, ठीक है। उस मूवमेंट में प्राइस एक्शन वैसा काम करता है, सेलर्स बायर्स उसको मूवमेंट ऐसा देता है, वो इंट्राडे के लिए वही काफ़ी है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है टाटा स्टील के बाद HDFC बैंक, ये भी देखिए, ये यहाँ से टर्निंग लेने वाला है ना, देखो यहाँ से नीचे आया ही नहीं, अभी तक सपोर्ट पे खड़ा है, देखिए इसके बाद यहाँ से लेके कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स ऊपर गया, जो मैंने लेवल दिया था उससे 20 पॉइंट्स ऊपर गया, ठीक है, वही चाहिए हमको इंट्राडे में, ठीक है, वैसे भी प्राइस एक्शन काम किया। नेक्स्ट, HDFC के बाद ICICI बैंक, सेम केस वैसे ही हुआ, देखो बैंक निफ्टी देखो अभी भी देखो ऊपर ही खड़ा है, और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, कल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर गया, देखिए ऑलमोस्ट ऑल 4 रुपये ऊपर गया था, इस रेसिस्टेंस को टच करके फिर वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट,
पिरामिड एंटरप्राइजेस, ये भी देखिए, यहाँ से मैंने कहा था का, कल का वीडियो देख लीजिए समझ में आएगा, इसके सपोर्ट पे ऊपर गया, देखिए ये क्लोजिंग दिया था, यहाँ से कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का कुछ गया था, राइट, यहाँ गया फिर वापस आया, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसको बाई साइड के लिए दिया था, वैसे ही मूवमेंट हुआ प्राइस एक्शन का, ठीक है, ये प्राइस एक्शन की बात किया। तो अब आते हैं हमारा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि नहीं दिया कि दिया कि देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया ना, ये छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट्स का लूँ, कुछ भी लूँ, ठीक है 10 मिनट्स का ले लेता, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहाँ दिया था लेवल, देखेंगे पेट्रोनेट का, पेट्रोनेट सेल 265, राइट, 265 पे आपको सेल करना था, वो कहाँ पे 265 कहाँ है देखिए, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे दिया था मैंने, राइट, लेकिन हमारा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से क्या होना चाहिए, मैंने सेल देता हूँ उसके ऊपर ओपन होना है, यहाँ पे कहीं ओपन होना है, जो 265 से ऊपर 6 हो सकता है, 267 हो सकता है, कहीं पे भी, लेकिन क्या हुआ हमारा इसके नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे हुआ 260 पे हुआ, तो इसको ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हमको, समझ में आया ना, हमारा सेल साइड के लिए देख रहा है तो उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ठीक है, तो इसको ट्रेड सेटअप है ही नहीं। नेक्स्ट टाटा कंज्यूम का भी देखिए, मैंने कहा दिया था 470 सम कुछ 40 का सेल ना, 417 कहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 417 यहाँ पे कहीं था, राइट, लेकिन ये देखो इसके ऊपर गया, अच्छा है हमारा ट्रेड प्लान के हिसाब से ही ओपन तो हो गया, ठीक है यहाँ पे ओपन हो गया, राइट, ये आपको कब पता चलता है यहाँ पे ओपन हुआ, आपको पता चलता है 9 9 o'clock से लेके, ठीक है 9 7 को मार्केट प्री मार्केट बंद होता है, 9 7 या 8, ठीक है उस टाइम पे यहाँ पे अपडेट हो गए, सर आपको पता चलेगा ये इतना मूवमेंट हुआ कि नहीं, समझ में आया ना, तब आपको फिल्ट्रेशन कर सकता है, आपको कितना टाइम है 9:08 से 9:15 तक आपको और 1 7 मिनट बाकी है, इन 7 मिनट में आप फिल्टर नहीं कर सकते क्या, इतने सारे दे रहा हूं मैं, देखने से पता चलता है, राइट, तो सिंपल बात है, समझ में आया ना कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पॉइंट्स कम हो गया हमारा ट्रेड प्लान के हिसाब से हुआ कि नहीं, तो वैसे ही हुआ, ये ट्रेड प्लान के हिसाब से आया, लेकिन देखिए वो 10 बजे तक, देखो 10 बजे तक ऊपर ही है, हमारा ऑर्डर यहाँ पे कहीं था 10 बजे तक, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे गया, वो अलग बात है, ठीक है, गया ना नीचे गया ना बहुत, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए समझ में आएगा प्राइस एक्शन का और ट्रेडिंग हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया मैंने, हैवेल्स को बाई के लिए दिया 582.9, राइट, ये देखो कहाँ पे है 582.9, राइट, यहाँ पे कहीं यहाँ पे बाई दिया था मैंने, राइट, लेकिन हुआ क्या, वो ओपन होते ही ऊपर ओपन हो गया, मैंने क्या कहा अगर बाई साइड के लिए जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे ओपन होना चाहिए, हमारा जो ट्रेडिंग लेवल है इसका नीचे ओपन होना है, लेकिन ओपन हुआ कहाँ पे, ऊपर, तो ये भी सेटअप नहीं है, इसको कैंसिल करना है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हेवल्स के बाद टाटा स्टील 337.60, देखो 337.60 ये कहाँ पे दिए मैंने, 337.60 यहाँ पे कहीं, राइट, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ओपन हो गया, ये भी गलत है, यहाँ पे ओपन होना है नीचे तभी आपको ट्रेड लेना है, ये तो पता चलेगा, कब पता चलेगा 9:08 को, ठीक है, उसके बाद ये भी फिल्ट्रेशन में अवॉइड हो गए। नेक्स्ट उसके बाद HDFC बैंक, इसका भी देखिए मैंने कहाँ दिया था 1063 पे दिया, राइट, प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर गया वही तो, ठीक है 1063 यहाँ पे दिया, लेकिन ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, हमको यहाँ पे ओपन होना है ना, यहाँ पे कहीं नीचे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। उसके बाद ICICI बैंक,
सेम कैसे देखो, ऐसे ऐसे कहा दिया मैंने, 346.50, 346.50 यहाँ पे कही दिया मैंने। ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ राइट, ये वाला, ये भी गलत है। तो ये ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ये भी फेल हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे ओपन होना है। नेक्स्ट PEL, ये देखो ये कहाँ पे दिया मैंने, 1396 राइट, 1396 कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, लेकिन वो कहाँ पे है ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये भी है ना, यहाँ पे ओपन होना है हमको, लेकिन ये भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो इसको इग्नोर कर दिया आज का। ये हमको पता चल गया है कि 9-8 को ही पता चल गया आपको राइट, 9-8 को, जो प्री मार्केट क्लोज होता है ना, 9-8 को क्लोज होता है, तब देखना पड़ेगा यहाँ पे आके कितना मूवमेंट हुआ है स्टॉक्स में, वो कहाँ ओपन होने वाला है पता चलेगा। ये नंबर हम स्टॉक मार्केट में है, ये बेसिक चीज जान लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो वैसे भी क्या हुआ, सब फिल्ट्रेशन में चला गया, सिर्फ एक टाटा कंज्यूम का ये हमारा ट्रेड प्लान के हिसाब से आया, यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर डाल दिया, लेकिन वो ओपन यहाँ पे हुआ, ट्राई किया, नीचे आया, 10 बजे तक आया ही नहीं नीचे, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो इनवैलिड है। अब टर्मिनल बंद कीजिए, कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, ठीक है। यही है, आपको बहुत सारे लोग ने कमेंट किया समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो देख लीजिए, रिवर्स करके भी देख लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। कल के लिए मैंने कुछ भी स्टॉक्स नहीं मिला, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतना बड़ा फॉल हो गया ना, आप सब वो देखा है, तो बहुत बड़ा वॉलिटिलिटी है। कल के लिए कुछ एक्यूरेट, मुझे एक्यूरेसी में, आपको पता है मैं एक्यूरेसी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स में कम से कम 7, 8 या 6 सक्सेसफुल होना है, ठीक है। इसलिए मेरा ट्रेड लेवल्स भी 1:1 होते हैं, देखा है ना आपने कभी, मेरा हमेशा ऑलमोस्ट 1:1 ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, ठीक है। आप कल के लिए कुछ नहीं है, आप कल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे जाके वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे क्लिक करो, आपको ये ओपन होगा, इसमें जाके ज्वाइन करिए, और मनी मैनेजमेंट, प्रो ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट करके अब यूट्यूब में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। एक मनी मैनेजमेंट, इसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, जो ट्रेड लेवल्स देता हूँ मैं हर दिन का, ये सब का राइट, इसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना है हर दिन आपको प्लान में वहाँ पे एक्सप्लेन किया, प्रो ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट करके उसमें चेक करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, नहीं तो यहाँ पे स्क्रोलिंग आएगा, उसमें जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।